हमारी और आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, मिलकर हम तो लगे हैं, लेकिन उसमें अगर आपका साथ नहीं होगा, आपका ताऊन नहीं होगा कि यहां जल्दी से जल्दी हमें स्टेटहुड मिले और जल्दी से जल्दी वो चीजें छिन गई हैं वो वापस आए, यहां की जमीन कोई खरीद नहीं सके, यहां की नौकरी कोई दूसरा यहां नहीं कर सके, ये उस स्टेटहुड का हिस्सा होना चाहिए और इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। हमारी रियासत में वैसे ही बहुत जमीन कम है, हमारी रियासत पहाड़ों पर मुश्तमिल है, हमारी रियासत जंगलात पर मुश्तमिल है, मुश्किल से जम्मू और कश्मीर मिलाकर 15 फीसदी 20 फीसदी जमीन है, उसमें हमारे शहर भी हैं, कस्बे भी हैं, गांव भी हैं, उसी 15-20 फीसदी जमीन में हमारी ट्रेन भी है, हमारी सड़कें भी हैं, हमें हर अस्पताल भी है, हमारे स्कूल कॉलेजेस भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, हमारे कारखाने भी हैं, तो जमीन कहां रहेगी? खेती के लिए 5 फीसदी जमीन नहीं है। आज मुझे इस बात का अफसोस होता, हमने रोशनी कानून लाया था गरीब लोगों के लिए, जो सरकारी जमीन पर 50 साल से 40 साल से वो बड़ी जमीन नहीं थी, 2 कनाल 3 कनाल घर बना सकते थे, खेती कर सकते थे, लेकिन उसको भी बंद किया। हां, अगर किसी अफसर ने उसको गलत तरीके से लागू किया है, उसने अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम किया है, उनको जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन गरीब लोगों से वापस जमीन ली, ये कहां का इंसाफ? और इतना ही नहीं, मुझे 1 महीने से जहां जहां भी मैं जाता हूं, मुझे बताया गया कि जो शामलाट की जमीन थी या घाट चराई थी, जो 50 साल से 60 साल से लोगों के घर थे या उसको खेत बनाए थे, वो भी आज यूटी बनाने के बाद वो भी वापस ले ली।